हाँ, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। रॉकी भैया आप थोड़ा पीछे हो जाओ, ये सब मैं अकेले खाने वाला हूँ। यार अकेले मत खाना, बीमार हो जाएगा भाई। यार मेरी बॉडी है, मेरा खाना है, मेरी जिंदगी है। झूठ बोल रहा है, सारे टाइम झूठ बोलता है। मेरी जिंदगी यहाँ कुछ नहीं, मेरी जिंदगी ये है। और आपको मैं मिलाना चाहता हूँ बैंड मेरी जिंदगी से। ये है डॉक्टर जया जो है लीड सिंगर, ये है पारुल और ये है निहारिका, और ये कंबाइंड है मेरी जिंदगी। तो डॉक्टर साहब फर्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे ना बाजू में बहुत दर्द हो रही है, इसका एक्सरे एक्सरे कराना है या वैसे ही आप कुछ बता देंगे इलाज? नहीं, मैं संगीत से जो है वो इलाज करती हूँ। अच्छा, और कुछ गा के ही इलाज कर सकती हूँ। हाउ गुड। तो जो मेरी जिंदगी बैंड है, हाँ जी। आप सब लखनऊ के हैं तीनों? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बैंड शुरू कैसे किया आपने? ये मेरी जिंदगी, क्योंकि मैं बहुत सारे बैंड्स देखती थी जो सिर्फ मेल डोमिनेटिंग बैंड्स थे, तो मेरे मन में आया कि मेरी ऐसी जिंदगी हो कि जहाँ पे हम अपनी बात कह पाए। तो ये भारत का पहला मिशन रॉक बैंड है जहाँ पे हम सिर्फ महिलाओं की ही बातों को जो है वो रेज करते हैं, और लड़कियों की शिक्षा की बात हो, चाहे उनकी उनकी आज़ादी की बात हो, हम बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं। तो ये लगभग 10 साल की यात्रा है जो हमने करी है, और ऐसे ही बस लोग जुड़ते गए हैं मेरी जिंदगी में, इसलिए इस बैंड का नाम मेरी जिंदगी है। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीजन। पर लखनऊ में मुश्किल तो बहुत हुआ होगा आपको शुरू शुरू में, मतलब लखनऊ में वैसे ही लेडीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल है काम करना। आई डोंट वांट टू बी अनफेयर, लेकिन आप रॉक बैंड में एकदम से तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्या प्रॉब्लम्स हुई शुरू में आपको? पहले तो एक्सेप्टेंस जो है नहीं था लगभग, क्योंकि फीमेल बैंड साड़ियों में रॉक बैंड, और जो बातें करता हो महिलाओं की, और जो गिटार और बहुत ही वेस्टर्न चीजों को लेकर के आता तो है। आपसे ग्लैमर वगैरह की ज्यादा उम्मीद थी कि लेडीज यूजुअली इंडिया में रॉक बैंड में थोड़ी ग्लैमर एलिमेंट के लिए डाली जाती है। जी, एक्सेप्टेंस नहीं था जब हम स्टेज पे जाते थे, और लोग हमसे एक्सपेक्ट करते थे कुछ बॉलीवुड का गाएंगे, कुछ रॉकिंग गाएंगे, बट हम जब वहाँ पे खड़े होते थे साड़ियों में गिटार के संग अपने ड्रम्स के साथ, तो थोड़ा सा उनको हेजिटेशन होता था कि यार ये क्या करेंगे, कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब हमारे गाने सुनते थे उनको लगता था कि नहीं, कोई तो बात है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो ये चिमटे और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम। ओकल, 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 ओकल। आप ये चिमटे और ओकल ये क्या गाने हैं? ये चाहते थे, बैंड का नाम है मेरी जिंदगी। तो ये एक हर घर में हर एक महिला का हथियार है, तो हमें लगता है कि जब ये हथियार लेकर हम स्टेज पे खड़े होते हैं ना, तो एक कनेक्टिविटी बनती है, उनको लगता है कि नहीं हमारे जैसे ही है, तो बस उनकी जिंदगी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक गाना तो बनता है, बॉली में एंटर करो, बट इन्होंने चिमटे से तो बहुत मार करी है, बहुत मार करी है, तो मतलब ये बिल्कुल समझ सकते हैं, इनका कनेक्ट इमीडिएटली बन जाता है। लेकिन किचन का जो भी सामान है वो मेरे लिए पूछनी है, पूछनी है वो मैं देख रही हूं। तो हमारा काम तो ये है और आपका काम है गाना, तो हम लोग खाना खाते हैं और आप लोग कोई गाना सुनाइए, क्योंकि खाना खाने के साथ साथ गाना गाने की जरूरत है। बड़े भैया बोल के गए। गाना है हमारा पानी के बताशे, पानी के बताशे। ये लाइफ बिल्कुल पानी के बताशे जैसी है, राइट। उसमें हर सारे स्वाद है, पानी के बताशे। ये लाइफ बिल्कुल पानी के बताशे जैसी है, राइट। उसमें हर सारे स्वाद है, तो ये बेसिकली बैंड की तरफ से आपको, हमारे लखनऊ की तरफ से। वाह, हमने देखे हैं यारों किस्मत के तमाशे, ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया है पानी के बताशे, ये दुनिया पानी के बताशे, ये दुनिया पानी के बताशे। कभी चटनी के पानी से अपनी जानी पहचानी से, कभी लगती है ये अनजानी से, बिल्कुल राजा और रानी से। हमने हीरोइन के दीवाने, हीरोइन के दीवाने, हमने
आपने कभी दिल्ली में परफॉर्म किया है? बिल्कुल, हमने दिल्ली में कई परफॉर्मेंस की है। हमने बीबीसी मीडिया एक्शन के लिए और यूनिसेफ और डीयू में हमने परफॉर्म किया है, और वहाँ का क्राउड, उसका जो है रिस्पांस, जो हम सोच रहे थे कि शायद हमें नहीं मिलेगा, बट बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस रहा है और मज़ा आया और अच्छा लगा कि लोग नया सुनना चाहते हैं। और कभी कभी हो सकता है हम सोचते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है हमें, तो अच्छा लगता है। तो व्हाट अदर सिटीज हैव यू संग इन? अभी तक अहमदाबाद, दिल्ली, भोपाल और आजमगढ़, बनारस, बहुत सारी सिटीज है जिसको हमने, हाँ, लगभग सबको जो है हमने कवर किया है। जब भी मौका लगा है, जिसने हमें स्टेज दिया है, उन सभी का हम शुक्रिया हमेशा करते हैं। बट हम चाहते हैं कि ये स्टेज परफॉर्मेंस के जो ये मौके हैं, वो इस तरीके के बैंड को, जो एक अपनी बात, एक नए तरीके का काम कर रहे हैं। वरना आप जो गाने एक बहुत बड़े सिंगर ने गाया हुआ है, वही आप हर जगह सुनते हैं, रेडियो पे भी सुनते हैं, टीवी पे भी सुनते हैं, यूट्यूब पे भी सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि नए लोगों को सुनने की भी हमें एक इच्छा जो है वो जगनी चाहिए। मतलब ये तो आपके पास तभी भी बहुत बार होता होगा कि आप जाते हैं, आप लोगों को समझाते हैं आप क्यों कर रहे हैं ये म्यूजिक, तभी भी होते हैं जी एक दो बॉलीवुड नंबर गाते हैं, तब आता है चिमटा काम। तो देखिए जी, लेडीज बैंड है, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, गाने सिर्फ अपने गाते हैं, एटीट्यूड पूरा अपना है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा पसंद चार्ट को करते हैं, इसलिए हम लोग मिल रहे हैं चार्ट की दुकान पे। जो सॉन्ग है हमारा चली रोड रोड, ये हम आपके शो को और आपको डेडिकेट करते हैं। वाओ, थैंक यू। इतना जबरदस्त और हमेशा एक एनर्जी दिखती है आपके शो में। आप रोड से निकल के आप जहाँ जहाँ पे जा करके फूड, क्योंकि स्ट्रीट फूड को जिस तरीके से आप परोसते हैं, उसका स्वाद लेके आप खाते हैं, वैसे ही स्वाद के संग हमने गाना बनाया है चली रोड रोड। और ये एक जो वर्किंग लेडी है उसको हम डेडिकेट करते हैं आपके शो के मार्फत। राजू चिंटू पढ़ाऊ मैं, झाड़ू फटका लगाऊ मैं, खाना चाय बनाऊ मैं, थोड़ा जो वक्त घर मिले सैया संग मुस्कुराऊ मैं, ऑफिस की फाइलों में अपनी तिगड़ी बिड़ाऊ मैं। चली 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 रोड 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 में, रोड 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 में चली, करती शोर 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 में चली मयूर और मेरी जिंदगी का गाना है। सफाई हम करते हैं, घर में खाना हम पकाते हैं, कपड़े हम धोते हैं, सब कुछ हम करते हैं, और हमारी जिंदगी रोड पे निकलती है, तो इससे अच्छी क्या जिंदगी हो सकती है। और आप लोग हमारे साथ आए, थैंक यू सो मच, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। आपके गाने सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, आई एम श्योर वहां पर आपको कम से कम लाखों हजारों लड़कियां वेट कर रही है आपके गाने सुनने के लिए। बहुत इंस्पिरेशनल, ब्यूटीफुल आपका मैसेज, भगवान करे सारी दुनिया में पहुंचे और आपके गाने सब लोग सुने, हम लोग तो सुनेंगे। आई एम योर बिगेस्ट फैन फ्रॉम नाउ ऑन। थैंक यू सो मच मयूर, एनी लास्ट वर्ड्स प्लीज? थैंक यू वेरी मच। आपका जो मैसेज है बिल्कुल हमारे साथ रेजोनेट करता है कि हम 70s के बच्चे हैं, एंड वी ग्रो अप इन अ होम वेयर बोथ आवर मदर्स वर्क वेरी हार्ड एंड दे मैनेज टू डू अदर थिंग्स दैट मेक देम अमेजिंग। सो दिस इज अ वंडरफुल मैसेज that you can do everything and you can be a woman, and especially because you're a woman you can be amazing. Thank you very much. अरे एक बात तो आपको बताना भूल ही गए कि हम हैं पंडित राम नारायण तिवारी चाट वाले के यहाँ जो गणेशगंज में है।